लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मालिक मालिक, आपके भाई मनीराम जी आए हैं। कौन है? मनीराम जी। मनीराम? हाँ। कहाँ? बाहर नीचे कमरे में। मनी, परसों बात मिला है रे मनीराम। हाँ भैया, दिल के चक्कर में ऐसा फंसा रहा कि बचपन कब गुजरा और पचपन का कब हुआ पता ही नहीं चला। हाँ, मगर जब बाटी वाले के जरिए ये पता चला कि मेरा भाई दुखी है, तुम्हें दौड़ा चला है। ए, आंसू पोंछ के चेहरा मत छुपा, तेरी तो परछाई से दर्द की आवाज आ रही है। मैं थक गया हूँ भैया, मैं बहुत थक गया हूँ। और मैं तुझे समझाते समझाते थक गया हूँ। जमाना बदल गया है प्यारे। वो पहले जमाने की बात है जब तुम किसी पे एहसान करो तो दुनिया तुम्हारे एहसानों के बदले बिक जाती थी। आज ऐसा जमाना आ गया है कि अगर तुम किसी पे एहसान करोगे तो दुनिया तुमको ही बेच डालेगी। खैर, मैं वो तेरे बड़े बेटे बेटी और बहू की दास्तान तो सुन चुका हूं, मगर वो तेरा छोटा बेटा, क्या नाम है उसका? प्रहित। सुना, वो तो बड़ा नेक वफादार बच्चा था, वो तुझे छोड़ के कैसे चला गया? वो एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की का नाम था सोनिया। देखो, देखा, देखो, आज मेरा दिमाग भट्टी की तरह गर्म है। तुम एक शब्द भी मत बोलना। देखो आज मैं उसकी कैसी खबर लेता हूँ। सुनो, जवान लड़की है, कोई बच्ची तो है नहीं। जो कुछ पूछना आराम से पूछना, हाथापाई मत करना। मुझे क्या करना है, मुझे पता है। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी जबान को अपने मुंह के बिल में बंद रखना, उसे अंदर ही फड़फड़ाने देना। लगता है आ गई। रुको, मैं उसे ले आऊंगा। क्या हुआ डैडी? नाक पे लग गई। नाक पे लग गई? अरे भाड़ में गई मेरी नाक, यहाँ कलेजे में आग लगी हुई और तुम मुझे मस्का मार कर ठंडा करने की कोशिश कर रही हो। जो जो सवाल पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। अभी नहीं डैडी, तुम्हें पूछेगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? यहाँ हमारे रातों की नींद हराम हो गई है और तुम्हें नींद आ रही है? कोई नहीं सोएगा आज। सवाल नंबर एक। मम्मी, रात बहुत हो गई है, कल पूछ लेना। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अपने मुंह के बिल में से अपनी जबान को बाहर मत निकालो, आईंदा निकालोगी तो काट डालूंगा। चलो तुम वहां चलो, चलो, कम ऑन। अब मैं तुमसे जो जो सवाल पूछता जाऊं उसका तुम मुझे सही सही जवाब देती जाओ। आज सुबह कॉलेज के बहाने तुम उस लड़के के साथ, मेरा मतलब है उस लफंगे के साथ, क्या नाम है उसका? रोहित। जबड़े फाड़ कर रोहित बोलने की जरूरत नहीं है। उस रोहित के साथ तुम सुबह 8:30 बजे घर से निकली और रात को 1:30 बजे तुम वापस लौटी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दरमियान तुम कहाँ थी और उसके साथ क्या करती थी, और सारी डिटेल्स मैं जानना चाहता हूँ। सारी डिटेल्स? हाँ, एक एक सेकंड की डिटेल चाहिए कि तुम कहाँ गई थी। तो ठीक है, सुनिए। सुबह जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठी तो डैडी, रोहित क्या मोटरसाइकिल चलाता है? आप कभी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठिए? ऐसी मोटरसाइकिल चलाता है कि पायलट भी प्लेन क्या चलाता होगा। क्या बात करती हो? आपकी कसम डैडी, सड़क पे ट्रैफिक जाम, वो पतली पतली गलियों में से, कार की छतों पे से, लोगों के घरों में से ऐसे मोटरसाइकिल ले गया डैडी। अगर आप होते तो उड़कर उसका मुंह चूम लेते। और वो तो आपका फैन है, कहता है कि सारे शहर में एक ही वकील है और वो है मिस्टर चैटर्जी। और बाकी सब तो खसियारे हैं। क्या बात है, सुना खसियारन? यहाँ लोग हमारी तारीफों के पुल बांधते हैं और तुम हो जो टाइम बम लगाकर पुल को उड़ा देती हो, खसियारन। और बताओ बेटी। अच्छा तो डैडी जाऊं? अरे जाओ जाओ बेटी, तुम थक गई होगी, जाओ जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तब सो गए? लग
लखपतिया। लखपतिया दादी सो गए? मामा या ना हाँ सो गए सो गए। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो क्या है पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है रात को घूमता है देरी से वापस आता है और वो बड़े खुश है वो। खुश? हाँ क्या आप बात कर रहे हो लखपतिया। पिताजी आप? वो मैं अपने दोस्त के घर गया था पार्टी में, वहां देर हो गई, फिर वो मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैं धक्का मार मार के घर लाया। क्या नाम उस लड़की का? सोनिया। नहीं नहीं लड़की कोई लड़की नहीं पिताजी, कोई कहाँ मिली थी वो डिस्को में? नहीं नहीं लाइब्रेरी में, नहीं नहीं कॉलेज के लाइब्रेरी। उसे कहना कि अपने माँ बाप को लेकर यहाँ आया, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। किस लिए? सजा दी जाएगी तुमको। क्यों? चोरी की है तुमने। हमने कोई चोरी नहीं की। आधी रात को माँ बाप से छुप कर घूमते हैं, चोरी नहीं है? ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगी तुम। सजा देंगे कैसी? मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। नहीं 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 कराना। नहीं 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 शादी 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 परियों की तरह उड़ती चली आ रही हो। मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तुम चकरा के जमीन पर गिर जाओगे। और मैं भी तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर तुम रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगोगी। तो ये बात है, फिर जल्दी सुनाओ। पहले तुम। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। उफ, पहले तुम। देखो पहले तुम के चक्कर में शाम हो जाएगी। ऐसा करते हैं एक दूसरे की खुशखबरी एक पर्चे पर लिखकर एक दूसरे को देते, फिर देखते हैं किसकी खुशखबरी में ज्यादा दम है। ये बात है। हाँ तो लिखो। आइए आंटी जी आइए। चलो उतरो भाई जल्दी उतरो। प्रणाम आंटी। बस बेटा बस। नमस्ते अंकल। ठीक है बेटा चलो अंदर चलो। आइए अंकल ये है मेरा छोटा सा घर। अरे वाह छोटा सा घर, अरे यहाँ तो अच्छा खासा हाई कोर्ट बन सकता है। क्या बात करते हो, एक मुकदमा तो जीत नहीं पाते हर जगह कोर्ट कचहरी करते फिरते हो। हर बात में तुम मेरा पानी क्यों उतार देती हो, तुम बात ही ऐसी करते हो। मैंने क्या बात की? अंकल बैठिए ना आप लोग प्लीज। हाँ बैठो। आइए बेटे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में, जी वो आ गए। माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, दरअसल मैं हनीराम जी अविनाश चटर्जी तुम? माफ करना सेठ जी। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे घर में कदम रखने की? सेठ जी मुझे पता नहीं था कि रोहित आपका बेटा है। अब पता चल गया ना कि रोहित धनीराम का बेटा है। इससे पहले कि धनीराम शराफत की हदों को पार करके तुम्हारे साथ कोई बेहुदा सुलूक करे निकल जाओ मेरे घर से बाहर। चलो बेटी है अंकल सुन। चलो अंकल। लेकिन देखिए इस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती बेटी। चलो निकलो यहाँ। मेरी बात तो सुनो। ये आपने क्या किया पिताजी? करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन चूंकि वो लोग तुम्हारे साथ आए थे इसके अपने जज्बात पर काबू रखा, वरना ठोकरे मार के उनको बाहर निकाल देता मैं। लेकिन क्यों? इस नफरत का कारण क्या है? कारण जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है पिताजी क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। और अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल है तो उस लड़की का ख्याल अपने जहन में नहीं लाओगे। सिर्फ इतना याद रखो कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, हरगिज नहीं बन सकती।